सब्सक्राइब कीजिए श्यामा टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं कि अगर आप लोग भी 7 दिन तक लगातार और पूरा दिन गुनगुना पानी पीते हैं तो उससे हमें कितने फायदे होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग रोजाना पूरा दिन गुनगुना पानी पीते हैं तो जितना भी टॉक्सिन और जितना भी एसिड हमारी बॉडी में बनता है वो घुलकर फ्लैश आउट हो जाता है। उसका फ्रेंड्स हमें काफी ज्यादा फायदा होता है। आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आखिर गुनगुना पानी पीने से हमें कौन से ऐसे स्वास्थ्य लाभ होते हैं, कौन से ऐसे फायदे होते हैं जिसलिए हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा फायदा है मोटापे के लिए। फ्रेंड्स, जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं वो पूरा दिन गुनगुना पानी पिए ताकि उनके अंदर जितना भी फैट हो वो घुलकर बाहर हो जाए। अगर आप लोग भी अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो आप लोग रोजाना गुनगुने पानी का जरूर सेवन करें। हो सके फ्रेंड्स तो आप लोग सुबह जब उठते हैं तो आप लोग खाली पेट गुनगुने पानी का जरूर सेवन करें। आप लोगों को जरूर फायदा होगा, आपका फैट जरूर बर्न होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसका जो हमें दूसरा फायदा होता है वो होता है हमारे लीवर के लिए। फ्रेंड्स, जिनका भी लीवर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है या फिर लीवर में कोई इन्फेक्शन है तो उन्हें रोजाना गुनगुना पानी पीना है और इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को फाइबर लेना होगा। फाइबर लेने से उनके लीवर पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और गुनगुना पानी पीने से जो लीवर है वो प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 7 दिन तक इसे ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे तो आपके सामने खुद रिजल्ट होगा कि आपका लीवर प्रॉपर वर्क करने लगा है। फ्रेंड्स, इसका जो हमें तीसरा फायदा होता है वो होता है यह हमारे पाचन शक्ति को मजबूत बनाती है। पाचन शक्ति सही से काम नहीं करने वाले लोगों को भी खाना खाने के 30 से 35 मिनट के बाद एक गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए जिससे उनकी पाचन क्रिया पाचन शक्ति मजबूत हो जाए। फ्रेंड्स, इसका जो हमें चौथा फायदा होता है वो होता है मसल पेन के लिए। फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों को मसल पेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जिनके मसल में पेन हो रहा है, जैसे शोल्डर में पेन हो रहा है, कभी कमर में पेन हो रहा है, कभी बाजू में दर्द हो रहा है तो कभी टांगों में दर्द हो रहा है, तो उन लोगों को भी रोजाना गुनगुने पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। गुनगुना पानी पीने से मसल पेन दूर होता है, मसल में लचीलापन आता है। फ्रेंड्स, गुनगुने पानी पीने का जो अगला फायदा हमें होता है वो होता है जिन लोगों को भी नींद कम आने की समस्या है वो उनकी सॉर्ट आउट होती है। फ्रेंड्स, कई लोगों को नींद बहुत कम आती है तो उनको रात को सोते टाइम गुनगुना पानी पीना चाहिए। अगर वो दूध पी के सो रहे हैं तो उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर वे लोग दूध पी के नहीं सोते हैं तो उन लोगों को गुनगुना पानी पीकर जरूर सोना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों को दूध पीना अच्छा नहीं लगता है, काफी सारे लोग रात में दूध नहीं पीते हैं, तो जो लोग दूध का सेवन नहीं करते हैं रात को सोने से पहले तो वो लोग गुनगुने पानी को जरूर पिए। क्योंकि फ्रेंड्स, गुनगुना पानी पीने से हमारे माइंड को रिलैक्स मिलता है और हम लोगों को नींद आराम से आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ स्वास्थ्य लाभ जो हमें गुनगुने पानी पीने से होते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो पानी हम गुनगुना पिए या ठंडा पिए, हमेशा ही हम लोगों को पानी घुट घुट कर पीना चाहिए और बैठ कर ही हमें पानी पीना चाहिए। इससे हम लोगों को काफी सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। फ्रेंड्स, कई लोग पानी खड़े होकर पीते हैं तो उन लोगों को इस तरीके से पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर आप लोग भी गुनगुने पानी का या ठंडे पानी का सेवन करते हैं तो आप लोग एक जगह पर बैठकर ही पानी का सेवन करें, इससे आप लोगों को काफी ज्यादा स्वास्थ्य लाभ होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।